ना, वो दिखा था ना, स्कूल दिखा पीछे। चलो जल्दी से पकड़ो, चुप जाते हैं आप अपना से बोल लो। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जिस तरह कि आप पीछे देख पा रहे हो, आज असी साहिबजादा फतेह सिंह स्कूल हरिनगर, जो कि यह स्कूल साड़ी एक छोटी भैन चला रही है, जिस दे अंदर कि इस स्कूल दे अंदर, यह स्कूल आम स्कूल नहीं है, यह स्कूल स्पेशल स्कूल है, जिस दे अंदर थोड़ा मंद बुद्धि कह सकते हैं असी, या की कहना चाहोगे भैन जी इन्हां नूं, डिफरेंटल माइंड, डिफरेंटेबल बच्चे इस स्कूल दे अंदर पढ़ते हैं, इत्थे अपना सारा दिन व्यतीत करते हैं, और इत्थे साढ़े छोटे भैन इन्हां नूं बहुत कुछ सिखाते हैं। एक छोटा बच्चा तुसी अपनी स्क्रीन ते देख रहे हो फिलहाल, बहुत दिनों तो तमन्ना हैगी सी कि स्कूल जाके बच्चियां नू मिलिया जाए और बच्चियां दे नाल कुछ टाइम स्पेंड किया जाए। आज दा दिन साडे वास्ते बड़ा खास है, क्योंकि असी इत्थे इन्हां कोल आके इन्हां नू मिले हैं, इन्हां दे स्टाफ नू मिले हैं, छोटे छोटे बच्चे ने, बड़े प्यारे बच्चे ने। मैं बच्चियां दी वीडियो भी आप जी नाल शेयर करांगा, और मैं हुण इत्थे अवनीश जी जो इहनूं चला रहे ने स्कूल नूं, उहनां दे नाल आप जी दे विचार सांझे करावांगा, ते ओह की कहना चाहुंदे ने इहनां बारे, और उहनां नूं इह सब प्रेरणा कित्थों मिली कि वो इस स्कूल, इस टाइप का स्कूल दुनिया खोलती है, कमान वास्ते खोलती है, इस सेवा वास्ते स्कूल उन्होंने कितों प्रेरित होके और कदों तो स्टार्ट किया? इस स्कूल तो असी 2018 से स्टार्ट किया है। इस तो पहले असी गुरु नानक पब्लिक स्कूल जॉब करते थे, उत्थे भी स्पेशल स्कूल सीगा। उस तो पहले भी असी अपना सोशल वर्क शुरू तो ही कर रहे हैं, मैं और मेरे हसबेंड, साड़ी अनर्स ट्रस्ट सीगी, असी उहदे अकॉर्डिंग पहले जॉब उत्थे करते सी, लंगर लगाने, दीनदयाल के बाहर लंगर लगाते, किसी नूं एजुकेशन चाहिए हैगी है तो फिर उन्होंने एजुकेशन लिए फंड इकट्ठा करके देंदे सीगे। हरमिंदर वीर जी है और एक अमनदीप वीर जी सीगे जो कि दुनिया में नहीं है, तो असी उन्होंने मिलकर 2008 एक संस्था स्टार्ट की सी अनर्स नाम तो, ते ओ असी हुण 2018 तक उहदे विच सेवा कर रहे सीगे। फिर असी स्कूल नूं अपने चलाया, पेरेंट्स नाल मिलके चलाया, इहदे विच साडे भुपिंदर सिंह बावा जी हैगे सानूं जो सहयोग दिंदे ने, दसवंत दी सेवा दिंदे ने, और भी मैं जसमीत मैडम हैगी, एक बच्चे दी पेरेंट्स हैगे ने, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਸਵੰਦ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਸਵੰਦ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ, 1,000 ਰੁਪਏ, 500 ਰੁਪਏ, 100 ਰੁਪਏ, 50 ਰੁਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੋਕੇਸ਼ਨਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਡੂਨਾ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦੀਆ ਮੇਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਸ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਟਰ ਨੇ, ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਓਕਿਊਪੇਸ਼ਨ ਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰ ਡੇ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਪਰ ਡੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈਗਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪ ਇਸ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਬਸ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪ ਚਲਾਈ ਜਾਣ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਆਪ ਜੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਾਲ ਮੈਂ GCA ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸਕੂਲ ਨੂੰ, ਜਿੰਨਾ ਆਪ ਆਪਣਾ ਇਹ ਅਸਲੀ ਦਸਵੰਦ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਲਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਕ ਅਸਲੀ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਦੇਖਿਆ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸੀਨ ਸਾਰਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦਿਖਾਊਂਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲੀ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢਣਾ, ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਦਸਵੰਦ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ,
मेरी रिक्वेस्ट है संगत नूं कि जो बंदा है तुहाडे कोलों कोई कंपलसरी नहीं है कि तुसीं 10,000 रुपया देना है, जिन्नी जे दी शरदा गुंजाइश 100 रुपया 200 रुपया 500 रुपया 1,000 रुपया, बड़े वड्डे वड्डे दानी बैठे ने, इहो जी एसोसीएशन नूं सपोर्ट करिए तां साडा पैसा सफला हैगा है। गुरु घर असीं सोने दे बनाई जा रहे हैं, गुरु घर दीआं पालिकां असीं सोने दीआं बनाई जा रहे हैं, इन्हां चीज़ां बारे असीं साडे समाज का साडी कौम का फर्ज़ बनता है कि इन्हां बारे असीं सोचिए। की कहना चाहते हैं साडा स्कूल का एड्रैस मैं सब नूं दे दिंदी हैगी हाँ। साडा एड्रैस हैगा BE 371A हरिनगर 'च। तुसीं इत्थे आओगे, बच्चों नूं तुसीं खुद देखो इत्थे की हो रहा है, अपनी अखां राही देख के ही तुसीं आप जो देना चाहो दे सकते हैगे हो। बस असीं इहो कहना चाहवांगे 8800648149 मोबाइल नंबर है मेरा, अवनीश कौर नाम है मेरा। आप जी कॉल करके एड्रेस पूछ सकते हो मैनू, तो आप इतने विजिट करो। आप आके पहले तुम अपनी अखी सब कुछ देखो। टाइमिंग इतने बच्चे होंगे ने 9 बजे तक बच्चे इतने आ जाते हैं, तो 2-2:30 बजे तक बच्चे इतने ही रहते हैं, तो 2:30 बजे बच्चे जाते हैं इतों की। बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक गल कही है भैन जी ने कि तुम इतने पहले आओ, विजिट करो, बच्चों देखो, बच्चों मिलो। इन्ने प्यारे बच्चे ने, यह रब की अपनी रजा है कि उन्होंने किस तरह रखता है। बड़े क्यूट ने, मनु इत्थे दमन है, दमनदीप सिंह मिलिया, गुरु का सिख जिन्हों कहने, अमृतधारी बच्चा, खुला दाड़ा प्रकाश किया, देख के रूह खुश हो गई। मैं कहना मेरा अज का इत्थे आया हुआ दिन बन गया जिन्हों कहने है गया। बहुत अच्छा लगा है, बहुत वधिया लगा है सानू इत्थे आके। भैन जी ने आप जी ने अपना एड्रैस दिता है, अपना फोन नंबर दिता है, उन्होंने तुम इतने फोन करके आके मिल सकते है, उन्होंने इतने मिलो और इतने मिल के जो तुम अपना आनंद महसूस करोगे। मैं आप जी को दस रहा कि मेरा एक छोटा जहा कोई फंक्शन हैगा सी, मैं उन्होंने इतने सैलीब्रेट करने वास्ते आया। मनु इस तरह लग रहा है कि मैं अज तो पहले कभी कोई सैलीब्रेशन की ही नहीं, जो मैं अज मज़ा आया, जो आनंद मैं अज आया, तो इस करके कृपा करके सब सारी संगत जो मैं सुन रहा है इस वीडियो को लाइक भी करो और शेयर भी करो। मेरा दिल कर गया मैं आप जी को दमनदीप सिंह जी नाल मिलवावा। दमनदीप सिंह जी तुहाडे नाल स्क्रीन ते ने। दमनदीप सिंह जी की कहना चाहते हो तुसी? हां की कहना चाहते हो? हां बोलो। फतेह, पहले फतेह बुलाओ साहिब। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और आज आपने क्या कुछ किया है? क्या कुछ किया? हाँ, क्या कुछ किया दिन में? क्या पढ़ाया आज आपने दिन में? हाँ। क्या पढ़ाया जाता है? हाँ। दमनदीप सिंह जो इत्थे स्टूडेंट हैगे ने, ते सानू बहुत अच्छा लगा है। मेरी आप जी नू आप जी के चरणा च रिक्वेस्ट है, इस वीडियो नू ज़्यादा तो ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो। चैनल हैगा GCA Times, उन्हों सबसक्राइब करो ताकि यह वीडियो दूर दूर तक जा सके। और साहबजादा फतेह सिंह स्कूल के जो ये बच्चे ने जो इत्थे एजुकेशन लै रहे ने, जो इत्थे पढ़ रहे ने, जो कि आप जी ने देखा वाहेगुरू जी की, असी किसी के बारे कुछ नहीं कह सकते। जो परमात्मा ने जो जी आया उन्होंने जिस ढंग ने बनाया उस ढंग ने ही उन्हें अपना जीवन व्यतीत करना है। पर जो साडा फर्ज हैगा असी इन्हों आके इन्हों दे नाल इन्हों किसी चीज़ की लोड़ नहीं है, इन्हों खुशियां की लोड़ है, जो कि असी अपने घर बैठ के भी केक कटन का काम असी अपने घर बैठ के भी कर सकते सी। लेकिन जो खुशी सानू इन्हों दे नाल बैठ के इत्थे अज हुई है, वो शायद मैनू नहीं लगता कि परमात्मा मैनू कभी पहले मिली होए। बाकी अपनी खुशियां इन्हां बच्चों के नाल वंडो और अगे तो अगे खुशियां नूं वंडदे जाओ। बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। वाहेगुरू जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह।